गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सतीश कुमार फ्रॉम कृष्णा पब्लिक स्कूल एंड इन दिस वीडियो वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसमें हमने मल्टीपल चॉइस और आपके फिल इन द ब्लैंक्स तक कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्टिंग विद ऑल्टरनेट टाइप रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इसमें पहला है अल्कलीज आर सॉर टू टेस्ट, मतलब ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट वन इज अल्कलीज आर सॉर टू टेस्ट, इट इज़ फॉल्स बिकॉज अल्कलीज आर टेस्ट बिटर। सॉर तो हमारे एसिड्स का होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज मिनरल एसिड्स चेंज टू ऑर्गेनिक एसिड्स ऑन एडिशन ऑफ वाटर, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। मिनरल एसिड्स कभी भी ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं एडिशन करने से वाटर का, वो सिर्फ डाइल्यूट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिडिटी ऑफ अ बेस इज द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि बेस के अंदर तो हमारी बेसिकली हाइड्रोक्सिल आयंस की प्रेजेंस होती है, हाइड्रोजन आयंस की नहीं। नेक्स्ट राइट और रॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइमस्टोन, दिस इज रॉन्ग। लाइमस्टोन एक अलग चीज़ होती है, सोडियम कार्बोनेट एक अलग चीज़ होती है। नेक्स्ट इज द सॉल्ट फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH एंड HCl इज बेसिक इन नेचर, कभी भी जो कोई सॉल्ट एसिड और बेस की कॉम्बिनेशन से बनता है तो ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, तो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। अब येस और नो टाइप क्वेश्चन हैं हमारे पास। इज ब्लू विट्रोल इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट, येस, क्योंकि उसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो इट इज़ अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। डज मिथाइल ऑरेंज गिव पिंक कलर विद बेसिस, नो, दिस इज फॉल्स। आर एसिडिक सॉल्यूशंस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, येस, क्यों, क्योंकि उनके पास आयन्स होते हैं। डू बेसिस हैव पीएच फ्रॉम 1 to 7, दिस इज फॉल्स, क्योंकि 1 to 7 के बीच में जिनका पीएच होता है वो तो एसिड्स होते हैं। अब हमारे पास मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन हैं। सबसे पहला है इसमें कॉलम ए में लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3, जो कॉलम बी में लास्ट वाले के साथ जाएगा, ठीक है, आई ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पे मैंने उसके जस्ट राइट में आई फर्स्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH, जो डी ऑप्शन के साथ जा रहा है कॉलम बी के, तो मैंने उसके जस्ट साइड में 2 लिखा हुआ है। देन कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपके पास, इट इज NaOH, तो ये मैंने H ऑप्शन के साथ है ये, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। उसके बाद कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, जो कॉलम बी के F ऑप्शन में है, इसलिए इसके राइट में मैंने 4th लिखा हुआ है। ग्रीन विट्रोल जो है वो होता है फेरस सल्फेट प्लस 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो आपका G ऑप्शन है कॉलम बी में, Fe2O4.7H2O, इसलिए इसके साथ मैंने 5th लिखा हुआ है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है आपके पास, इट इज़ MgOH2, जो आपका ऑप्शन ए है कॉलम बी में, उसके जस्ट राइट में मैंने 6 लिखा हुआ है। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, जो कॉलम बी में आपका ऑप्शन सी है, तो उसी के जस्ट राइट में मैंने 7 मार्क किया हुआ है रोमन उसमें नंबर में। उसके बाद बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, तो मैंने कॉलम बी का वो बी ऑप्शन है NaHCO3, वहाँ पे 8 मार्क किया हुआ है। और चिली सॉल्ट पैटर जो होता है हमारे पास वो होता है NaNO3, तो मैंने जो कॉलम बी का ई ऑप्शन है, इसलिए उसके राइट में मैंने ई लिखा हुआ है इस टाइप से। तो ऐसे हम मैच द कॉलम कर लेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास एनालॉगी टाइप क्वेश्चंस। एनालॉगी टाइप क्वेश्चंस में पहला है सी वाटर टेस्ट सॉल्टी, विनेगर का कैसा सॉल्ट होता है, विनेगर का कैसा टेस्ट होता है, इट इज़ सॉर, खट्टा। चाइना रोज एक इंडिकेटर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक बेस है, ओके। नेक्स्ट है इसके पास हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें पहला है हाउ विल यू ट्रीट अ बी स्टिंग, आपको पता है अगर आपको किसी मक्खी ने काट लिया है जैसे ततैया या हनी बी, तो आप उसको कैसे वो करेंगे, ट्रीट करेंगे। उसको ट्रीट करने के लिए ऑब्वियसली बात है हम किसी बेस का यूज़ करेंगे, तो वी विल अप्लाई बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग पोर्शन सो दैट की वो जो रिएक्शन है वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशंस हैं यहाँ पे अल्कलीज इंडिकेटर सॉल्ट एंड वाटर क्रिस्टलाइजेशन की। तो सबसे पहले अल्कलीज है, अल्कलीज क्या होता है, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयंस। सेकंड इंडिकेटर्स, सब्सटेंसेस दैट चेंजेस कलर व्हेन ट्रीटेड विद एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्ट क्या होते हैं, सब्सटेंसेस जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। उसके बाद है हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लूजली एसोसिएटेड विद द सॉल्ट आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
उसके बाद यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, और उनमें क्लासिफाई करना है कि कौन से एसिड्स हैं, कौन से बेसिस हैं और कौन से सॉल्ट्स हैं। तो पहला NaCl एक सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट आपको पता है, NaCO3 बेस है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, CaOH2 एक बेस है, HCl अगेन एक एसिड है हमारे पास। उसके बाद H2CO3 ये भी एक एसिड है। Al2SO4.24H2O एक सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट हमारे पास। एंड नेक्स्ट है CH3COH विच इज़ अगेन एन एसिड, MgOH2 इज अ बेस। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। व्हाई डू वी ऐड लाइम टू एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल में हम लाइम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्रॉप डैमेज हो सकती है, और इसीलिए हम लाइम ऐड करते हैं ताकि वो उसे न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिस में क्या डिफरेंस होता है, आपको बताया, एसिड सॉर होते हैं टेस्ट में, और सारे एसिड्स वाटर सॉल्यूबल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो हमारे बिटर होते हैं टेस्ट में, और उनका सोपी टच होता है, और उनमें से कुछ ही वाटर सॉल्यूबल होते हैं जिन्हें अल्कलीज कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, आपको बताना है डिफरेंस वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड उन्हें कहा जाता है जो पानी के साथ डिजॉल्व होकर ज़्यादा एच पॉजिटिव आयंस देते हैं और ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। और वीक एसिड्स कौन से होते हैं, जो बहुत कम एच पॉजिटिव आयंस देते हैं और कम कोरोसिव होते हैं, और जिन्हें हम फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वीक एसिड्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स, उनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है कि ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं और मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं हमारे पास। तो ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन एक मेन कॉन्स्टिट्यूंट होता है, जैसे हमारे पास और नेचुरली अकरिंग होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड। और मिनरल एसिड कौन से होते हैं, जिनको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, ठीक है, और जो बहुत उन मिनरल से जो अर्थ क्रस्ट में हमें मिलते हैं और जो हाईली कोरोसिव होते हैं, ठीक है, जैसे आपका ये H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इस टाइप से। उसके बाद न्यूट्रल सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट में क्या डिफरेंस है हमारे पास। न्यूट्रल सॉल्ट वो होते हैं जिनके अंदर पूरी तरह से, मतलब ना कोई एसिडिक पार्ट होता है और ना बेसिक पार्ट होता है, और बेसिक सॉल्ट्स वो होते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा बेसिक पार्ट रह जाता है और वो फर्दर एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको सॉल्ट एंड वाटर दे सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिक सॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, व्हाट आर इंडिकेटर्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ एन इंडिकेटर एंड राइट इट्स इफेक्ट ऑन एसिड बेस एंड वाटर। आपको बताना है इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उनका इफेक्ट क्या होता है एसिड बेस और वाटर पे। तो स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं इंडिकेटर्स, जो बताते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है और कौन सी चीज़ न्यूट्रल है। तो जैसे अगर हम एसिड में ब्लू लिटमस को वो करेंगे, टेस्ट करेंगे ब्लू लिटमस पेपर से, तो वो रेड हो जाएगा, और अगर रेड लिटमस पेपर को हम उसमें डिप करेंगे बेस में, तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से होता है। और अगर हम उसे वाटर में करेंगे, तो क्योंकि वाटर ना एसिड होता ना बेसिक होता, तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद है एक्सप्लेन व्हाई पिकल्स एंड जैम्स शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल कंटेनर्स। मेटल कंटेनर्स में हम पिकल्स और जैम्स को क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि पिकल्स और जैम्स के अंदर भी क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, और अगर हम उन्हें मेटल कंटेनर्स में रखेंगे तो उनके साथ मिलके कुछ एसिडिक सॉल्यूशन बना के वहाँ पे उनको ख़राब कर सकते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा ग्लास कंटेनर्स में रखा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है, हाउ आर एसिड रेन्स कॉस्ट। एसिड रेन्स कैसे होती हैं, एसिड रेन्स जब हमारे यहाँ पे पोल्यूशन होता है, तो उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो ऊपर जाके जो बादल हैं उनके साथ कंडेंस होके एसिडिक, उनसे मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके एक एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं, और जो बरसात का पानी होता है वो एसिड उनके साथ मिलकर नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाई आर फैक्ट्री वेस्ट न्यूट्रलाइजर्स बिफोर दे डिस्पोज टू वाटर बॉडीज। फैक्ट्री वेस्ट को वाटर बॉडीज में डिस्पोज करने से पहले न्यूट्रलाइज क्यों किया जाता है। उन्हें न्यूट्रलाइज इसलिए किया जाता है ताकि अगर कोई एसिडिक या बेसिक चीज़ पानी में चली जाएगी, तो वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है, जो फिशेज हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको वो क्या कर सकती है, उनकी लाइफ को डैमेज कर सकती है या उन्हें बहुत ख़राब इफेक्ट प्रोवाइड कर सकती है। तो इसलिए पहले क्या किया जाता है, इन सब चीज़ों को न्यूट्रलाइज किया जाता है, ठीक है, इनके इफेक्ट को ख़त्म किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, हाउ कैन एनहाइड्रस सॉल्ट चेंजेस इनटू हाइड्रेटेड फॉर्म्स। एनहाइड्रस सॉल्ट को हम हाइड्रेटेड फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
जब हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को हीट करते हैं तब क्या होता है, वो पाउडरी उसमें आ जाते हैं, सब्सटेंस में होते हैं, और उन्हें एनहाइड्रस कहते हैं। और जब ये अपना कलर फिर से रिगेन कर लेते हैं और उनमें थोड़ा सा हम पानी मिला देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, फिर से हाइड्रस वो हो जाते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाते हैं अपनी। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट फॉर टुडेज़ क्लास स्टूडेंट्स।